जहां एक तरफ प्रदेश में अवैध शराब और जहरीली शराब पर छापामारी जारी है, आज जिला आबकारी अधिकारी RS राय ने ग्राम कोदला, साईखेड़ी, भिकनगांव, टेमला, पिपलिया, सीरालाबाद, मोहनखेड़ी में 9 प्रकरण पंजीबद्ध कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया। भिकनगांव शहर और ग्रामों में शराब माफियाओं द्वारा प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बेरोक टोक चार पहियों व दो पहिया वाहनों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले आम अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है। शराब माफिया एवं उनके वर्करों द्वारा अपना निजी होलोग्राम जिस पर अंकित है राजस्थान ग्रुप व कुछ बगैर राजस्थान ग्रुप की आखिर में ओरिजिनल कौन सी है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेची जा रही है। उन्हें प्रशासन का किसी भी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। कुछ दिन पहले ही आबकारी विभाग जिला आबकारी अधिकारी RS राय ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि शराब दुकान से अन्य स्थानों पर शराब का विक्रय नहीं किया जा सकता, ऐसा पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र के ठेकेदार द्वारा शराब बेची जा रही है, फिर विभाग एवं प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके की कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, आज भिकनगांव में किस मुद्दे में आज कार्रवाई हुई है? अवैध शराब के विक्रय से हो जो जनहानि हो रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय कलेक्टर महोदया श्रीमती अनुग्रह पी के निर्देशन पर एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के मार्गदर्शन पर आज मेरे द्वारा जो है वृत्त भिकनगांव के ग्राम कोदला, साईखेड़ी, भिकनगांव टाउन, टेमला, पिपलिया, सिरालाबाद और मोहनखेड़ी में दबिश दी गई और कुल 9 प्रकरण पंजीबद्ध करके और 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें कुल 116.1 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसमें देसी शराब और कच्ची दोनों मिली जुली है और साथ में 1900 किलो महुआ लहान और अन्य सामग्री जब्त की गई है, जिसका बाजारी मूल्य लगभग 50,000 के आसपास है। सर, भिकनगांव आबकारी विभाग में जो पदस्थ अधिकारी है भिकनगांव में, उनके रहते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्या विषय है? नहीं, उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाती है, सूचनाओं का ये रहता है, जैसे आज सूचना मिल गई मेरे द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, वो भी कार्रवाई करते रहते हैं। सर, ये जो भिकनगांव में ये अवैध रूप से जो ले जाते हैं ये मोटरसाइकिल पे वाइन शॉप दुकान से, उनके विरुद्ध भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 2-4 जने को उसमें प्रकरण बनाया जाए। मतलब ये गांव-गांव में किराना दुकान में उनको अपन लोग उसको चेक कर रहे हैं और उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि ये दुकानों से अवैध शराब जो है गांव में न जाए। और सर, अगर ऐसी स्थिति में अगर जैसा ये केस जैसे सनावत में हुआ है, अगर ऐसी स्थिति में अगर कोई बुरा भिकनगांव में केस होता है तो नहीं अपने वो जो शराब पीने के बाद में अगर किसी की मृत्यु होती है तो नहीं, सनावत में जो प्रकरण हुआ था वो अवैध बॉटलिंग का प्रकरण था, मैंने वो विधिक दुकान से जो मदिरा विक्रय मैंने पीने परचेज करके किसी ने नहीं पिया था, वो कालका नामक एक व्यक्ति था जैसा कि बताया जा रहा है, वो उसके द्वारा अवैध बॉटलिंग की गई थी स्प्रिट उस्प्रिट या दूसरी चीजों से, अन्य चीजों से। यहाँ भिकनगांव के ठेके में राजस्थान ग्रुप की सील लगी हुई है और कुछ दो जगहों पे सील नहीं लगी है। नहीं, उसको देखा जाएगा, राजस्थान ग्रुप की क्या मैटर है, मैं उसको देखवाता हूँ। सब कुछ जगहों पे हमने शराब को देखा है कि उसमें कोई सील नहीं थी, कोई ग्रुप नहीं था, और कुछ जगहों पे राजस्थान ग्रुप की सील लगी हुई शराब मिली। इसकी जाँच करवा लेते हैं, इसको कल ही जाँच करवा लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।